Hi guys, welcome back to my channel. So it's 12 a.m. and I'm studying right now just because मैं okay. So actually मेरा exam है कल और मैं पढ़ाई कर लेती अगर मैं एक party attend करने नहीं जाती, पर मुझे attend करना था क्योंकि मेरा मन किया. So I went there और मुझे लगा था कि सिर्फ 2 घंटा time लगेगा max. तो मैं यही सोच के गई थी और मुझे वहाँ पे 5 घंटा लग गया क्योंकि हर प्रोग्राम में डिले था, एंगेजमेंट था. सो हर प्रोग्राम में डिले था, बहुत टाइम लग गया. और खाना सबसे लास्ट में था जो कि हम लोगों को 4:30 में मिला और तब हम लोग घर पे आए वापस 5:30 हो चुका था. तो मेरा ऑलमोस्ट 1 से लेकर के 5 बजे तक का समय गया, 4.5 घंटा टाइप्स मेरा चला गया. तो इसीलिए मैं बहुत कुछ पढ़ नहीं पाई एंड आई रियली नीड टू स्टडी क्योंकि कल एग्ज़ाम है, कल लास्ट एग्ज़ाम है एंड आई हैव टू स्टडी. सो या राइट नाउ आई एम स्टडिंग एंड तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं रात भर जग के पढ़ाई करूँगी, होपफुली. सो लेट्स सी कब तक जग पाती हूँ और कब तक पढ़ पाती हूँ. सो अभी मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ क्योंकि आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया, पेट भरा हुआ था, पर अभी बहुत भूख लग रही है. सो आई एम थिंकिंग टू कुक समथिंग. सो So now I'm going to have Maggie. I'm so hungry. और ओरिगैनो डाल दिया है और भी टेस्टी हो गया है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, मुझे एक ही पैकेट खाना चाहिए था पर मैं भूख के मारे 2 पैकेट खा लिया मैंने और अभी मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है. तो चलो वापस से पढ़ाई शुरू करती हूँ प्लेट रखने के बाद. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन. सो इट्स 1 o'clock and I'm very very sleepy. मतलब ज़्यादा sleepy नहीं but I'm really bored and I really don't want to study क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा मैंने तो सब दिमाग से जाएगा. और मैं कल सुबह उठने की कोशिश करूँगी एंड आई होप मैं उठ जाऊँ 5 या 6 बजे तक. सो आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ. बस एक दो चीज़ें लिख लेती हूँ उसके बाद सो जाऊँगी. सो मैं अभी उठ चुकी हूँ पर लेट हो गई. 5 बजे से अलार्म लगाया था बट 5 बजे उठ नहीं पाई मैं और अभी 6:30 हो रहा है. सो या आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड आई होप कंप्लीट हो जाए. बाय. हाय एवरीवन. तो मैं अभी अभी एग्ज़ाम दे करके आ गई हूँ और एग्ज़ाम अच्छा रहा. मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा था बट फिर भी अच्छा गया. तो आज मम्मी का बर्थडे है एंड वी आर गोइंग आउट समवेयर मे बी. आई होप रिकी के आने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो खाना घर पे लाएंगे और अगर जाएंगे तो वहाँ जाएंगे जाके खाएंगे ऑफकोर्स. तो अभी रिकी के आने का टाइम हो चुका है पर वो आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों. हम लोग वेट ही कर रहे हैं, स्पेशली मैं वेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा. पता नहीं होगा, आ भी लगता है. अरे रिकी आ गई, तुम लिख आई हो सब कुछ. ओके सर मैं दिखाती हूँ कि रिक्की यहाँ पे ये कैप लेकर आई है मम्मी के लिए. वाह ये कैप काफ़ी सुंदर है.
और ये है केक, ये बुआ की तरफ से केक है। मम्मी से ज़्यादा हम लोग तीनों एक्साइटेड हैं, है ना, है ना। चलो खींचो काटे का फूके का। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर माँ। बाबू के नाने क्यों डाइटिंग पे हैं? यस, हो गया। सो केक कटिंग हो चुकी है एंड नाउ वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट फाइनली। थैंक यू आसिफ भैया। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। ये है, ये एक ऐसा कपड़ा है जो कि मुझे एक साल पहले तक काफ़ी टाइट हुआ करता था क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था, लेकिन अब ये ढीला हो रहा है और मैं बिल्कुल मॉडल जैसी लग रही हूँ। वजन कम हो रखा के होखला के कारण ऐसा कुछ नहीं है। बीटी डब लो, चलो लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। सच्ची कह रहा हूँ, ये खाना खाने के पहले प्री वर्कआउट और हम लोग आज खाने के बाद कल से अपना हैवी वर्कआउट शुरू करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुके हैं इस शादी सीज़न में खा खा के हम लोग। सो वी आर लीविंग राइट नाउ। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। पापा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करेंगे, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग नॉन वेज नहीं वेज खाएंगे क्योंकि 3 दिन से हम लोग नॉन वेज खा रहे हैं। ये लिख रहे हैं ऑर्डर हमारा। हम लोगों ने खाना खा लिया और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और खाना काफ़ी अच्छा था। ओके, सो नाउ आई एम डन विथ ऑल द थिंग्स, मतलब मैंने आके चेंज कर लिया और जो भी कपड़े फैलाए थे वो सारे संभाल के रख दिए और अभी मैं जाऊंगी अपना फेस वॉश करूंगी और उसके बाद ये वीडियो एडिट करके अपलोड कल करूंगी, सीरियल देख के सो जाऊंगी। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।